मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पर आकर के लखनऊ के हमारे बनारसी बाग के चिड़ियाघर के शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक प्राणी उद्यान है, ये प्रिंस ऑफ वेल्स इसका पुराना ओरिजिनल नाम, फिर वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। हम सब लोग के लिए तो ये वो चिड़ियाघर है जहाँ हमारा बचपन बीता, फिर अपने बच्चों के बचपन को बिताने के लिए भी यहाँ आते रहे। 100वां साल मनाया जा रहा है और आज इस आयोजन का मुझे हिस्सा बनाया गया है। मुझे बहुत खुशी हुई देख करके कि युवाओं को, बच्चों को भी जोड़ा गया यहाँ की एक्टिविटीज़ से। ये एक अच्छा कदम है क्योंकि बच्चों की जो सोच है, बच्चे जब तक इस चीज़ से एक चिंतन के रूप में नहीं जुड़ेंगे कि कैसे दुनिया बनानी है, एक ऐसी दुनिया जिसके सभी हिस्सा हों, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ऐसी दुनिया हो जहाँ पे पेड़ पौधे पशु पक्षी सबका सम्मान हो। और ये नई पीढ़ी को जानने और समझने के लिए बहुत ज़रूरत है इसकी। एक मेरे मन में बहुत समय से विचार था, मुझे बहुत हृदय से प्रेम भी है प्राणियों से, कि मैं एक यहाँ पे कोई भी जीव को मैं अडॉप्ट करूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि ये एक साझी विरासत होनी चाहिए, साझी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। सिर्फ सरकार से ये अनुमत एक अपेक्षा करना एक ही बजट में सबको खिला ले पिला ले, जू में आखिर हम सब लोग के लिए हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपनी अपने आर्थिक और अपनी खुशी के हिसाब से किसी न किसी प्राणी को कुछ अन्न। तो मैंने आज भालू को आज गोद लिया है साल भर के लिए, और ये साल भर के लिए नहीं, मुझे लगता है इस सिलसिला लंबा चलेगा। और मैंने आज एक चेक काट करके दे दिया है जू को, नेशनल आपके जू को। ये भालू का नाम है मंगल, इट्स एन हिमालयन बेयर, हिमालयन बेयर है। और मैं आज बच्चों को बता रही थी कि किस तरह से एक भावनात्मक लगाव है, जो बचपन से जो जीव मुझे बहुत प्रिय थे उसमें भालू, और बचपन से हमारी एक इच्छा थी कि उनको यदि ऐसा हो सकता तो मैं पालती भी, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे, एक छोटा मोटा जू हमारे घर में ही भी है, लेकिन वो हो नहीं सकता तो कम से कम वो यहीं रहें, लेकिन मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं अपनी कुछ एक कंट्रीब्यूशन कर सकी इस दुनिया को और हरी भरी और सुंदर बनाने में। तो मैं आप सब से भी यही एक आह्वान करूँगी कि आप सब भी आगे आइए और अपनी अपनी रुचि के हिसाब से किसी भी जीव को अपने सामर्थ्य और अपनी खुशी से जुड़िए, और बच्चों को भी इसी माने सिखाइए कि वो भी अपना कुछ अंश दान दें ताकि ये अच्छा खा सकें, उनके खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके।